साइबर सिटी गुड़गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मामला सेक्टर 10 थाना एरिया से है, जहां 10 साल के एक मासूम का अपहरण करने के बाद आरोपी ने न केवल कुकर्म किया बल्कि उसकी गला रेतकर हत्या भी कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने उसके शव को मानेसर के जंगल में फेंक दिया और शव को छिपाने के लिए उस पर कूड़े का ढेर लगा दिया। परिजनों को गुमराह करने के लिए आरोपी ने परिजनों को फोन कर 2 घंटे में 2.5 लाख रुपए की फिरौती की भी मांग की। सर, हम शाम को आए लगभग 6:45 बजे, तो हमने पूछा घर से कि बच्चे हमारे कहाँ हैं, तो बोला कि गली में खेल रहा है। तो हम गली में गए ढूंढने के लिए, हमको नहीं मिला। फिर हम उससे आगे निकल गए, एक पार्क है, पार्क में ढूंढे, वहाँ नहीं निकला। फिर हम घूर के दूसरी गली में और गए, तो बाइब ने बोला कि वो फोन आया है, से बोला कि चांद को मैंने पार्क से उठा लिया, उसने जो हमसे 2.5 लाख रुपये मांग रहा है, तो हम 2.5 लाख रुपये हम कहाँ से देंगे इस टाइम। ठीक है, हम देंगे, हम इंतजाम कर रहे हैं, आधे घंटे के अंदर हमारे लड़के को आप जो है दे दो, पैसे ले लो। तो बोला ठीक है, हम इतने बजे का टाइम दे रहे हैं, 9:00 कुछ मिनट पे आप आओ फलानी जगह मनेसर में, और वहाँ से जो है हम बच्चे को दे देंगे, और नहीं आए तो हम बच्चे को बम्बे भेज देंगे। मैंने कहा बम्बे नहीं भेजना, हम पैसे लेके हम आ रहे हैं, अकेले यही आएंगे, हम किसी को लेके नहीं आएंगे। मगर यहाँ दरमियान वो बच्चे हमारे को मिला नहीं, और वो जो है मुजरिम मिला, तो मुजरिम को हम पकड़ के लाए, उसको जो है थाने में बंद किए, उसकी पिटाई किए। पिटाई करने के बाद वो जो है कुछ नहीं बका कि हम नहीं मारे, हम कुछ नहीं किए। मगर उसकी जब पुलिस तुराई किया तबीयत से, फिर 2:30 बजे रात को मनेसर ले गया, वहाँ तुराई किया, तब उसने कबूला कि हमने मारा। परिजनों ने बताया कि उनका 10 साल का बेटा घर के बाहर खेल रहा था। उनके पड़ोस में रहने वाले एक युवक का भाई, जो कि मानेसर में रहता है, वो करीब पिछले 4 दिन से लगातार क्षेत्र में आ रहा था। रविवार को मौका पाकर वो 10 साल के मासूम को बहलाकर अपने साथ बाइक पर मानेसर ले गया, जहां उसने ये वारदात को अंजाम दिया। मेरा बच्चा गायब हुआ सर 5 बजे, 5 बजे बॉल खेली चाहिए, भाई बड़का बेटा हमारा चलाया नहाने के लिए, बाबू हमारा बॉल रोक के गया, तो कहाँ जाए, अम्मी नीचे जाए, वो भर दिन पी रहा था यहाँ पे, रहा या 5-6 दिन से आ रहा है यहाँ पे, तो देख रहे थे कि अपने रूम में है, तो हमको तो कोई से मतलब नहीं है भाई, कौन अपने रूम में नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। बच्चा सब जा रहा था, तो अंकल अंकल अगर बाहर में खड़ा हुआ तो अंकल अंकल कर रहा था, मैं यहाँ पर बैठ के पीस बनाते हैं तो बैठे हुए थे, बाबू हमारा नीचे खेले गया, उतनी में बच्चा को हमरे उठा के ले गया, अब ढूरैया कर रहा है तो मिलवे ना कर रहा है। तो फिर हमको फोन आ रहा है, तो लड़की उठा के दिया, मम्मी कोई का फोन आ ले, तो हम बोले दूर कोई का हो ये होगा, पापा गए बारक में ढूंढने, मॉल में ढूंढने, कहीं नहीं मिला। आरोपी ने मासूम के परिजनों को गुमराह करने के लिए अपहरण होने व मासूम को छोड़ने के लिए फिरौती मांगी। रात 9 बजे तक ये फिरौती की रकम देने के लिए कहा। इस पर परिजनों ने जब पुलिस को सूचना दी तो सेक्टर 10 थाना पुलिस हरकत में आ गई और रात को ही कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को काबू कर लिया। कल उनको एक बच्चा पार्क में खेलने गया था, बस यही इंक्लेव पार्क 2 का, और उसके बाद घर नहीं लौटा, तो बाद में घर वालों को 1-2 लाख रुपए की फिरौती की कॉल मिली, जिसके संबंध में उन्होंने शिकायत दी सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में, और उस पर काम करते हुए 10 सेक्टर पुलिस स्टेशन ने उसमें FIR दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। और जिस आरोपी ने वो कॉल की थी उसको जब काबू करके और उससे पूछताछ की गई, तो उसके बाद ये पता चला कि उसने उस बच्चे के साथ दुष्कर्म करके और उस बच्चे का गला काट के उसकी हत्या कर दी, और उसको वहाँ मानेसर के नज़दीक एक सुनसान जगह में फेंक दिया और ऊपर से कबाड़े से ढक के और उसको छिपाने की नीयत से और उसकी फैमिली को और पुलिस को गुमराह करने की नीयत से इसने ये कॉल करके पैसे की मांग की थी। हमने इसकी निशानदेही से उस बच्चे की, 10 साल के बच्चा जो था मृतक, उसकी डेड बॉडी बरामद की है, उसकी कार्रवाई करके और उसका पोस्टमार्टम करवाया गया है, इसको गिरफ्तार करके आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है और 1 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। मामले में फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है। इस घटना से पूरे शहर में दहशत का माहौल है, हर कोई अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने में डरने लगा है। गुरुग्राम से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब के केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।